वी स्टार्टेड द इक्विलिब्रियम चैप्टर। अब देखो उसमें हमने लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम क्या था उसके रिगार्डिंग टाइप्स ये कर लिए थे। तो यहाँ पे ना देखो ओवरऑल उस पूरे इक्विलिब्रियम कंसेप्ट को समझने के लिए एक आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। वेरी मतलब क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है ये आपको दिया हुआ है थ्री पार्ट्स में है। फर्स्ट व्हाट इज द क्वेश्चन विल डिस्कस अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। सुनो बस को पहले समझो। मोनिका यू वेंट देयर इन दिस क्लास। अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन अ सील्ड कंटेनर एट ए फिक्स टेम्परेचर। उसने क्या कहा है कि आपके पास ना एक ऐसा एक वेसल है और उसमें आपके पास लिक्विड है, वाटर मान लेते हैं, ये लिक्विड है ठीक। और इसकी सबसे बड़ी बात दिस लिक्विड इज प्रेजेंट इन अ क्लोज वेसल। तो वेसल क्लोज भी कर दिया हमने ठीक। अब क्या कहा इसने अ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन अ सील्ड कंटेनर एट ए फिक्स टेम्परेचर। तो दो बातें अभी और रह गई यहाँ पर। एक तो इसका जो टेम्परेचर है टेम्परेचर इट इज कॉन्स्टेंट जो भी है 25, 27, 28 इन दैट ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक। एंड सेकेंड थिंग अब देखो फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल यही होता है वैसे नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जो है साइंस में इसे ही मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। अब उसने कहा देखो कि इसके वेपर्स का इसके साथ इक्विलिब्रियम है। उसका रीजन देखो पता क्या होता है कि अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस वाटर विल वेपराइज वाटर के वेपर्स बनेंगे। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर भी वेपर बनेंगे तो क्या होगा शुरुआत में वेपर्स बनते रहेंगे। ये आपके चलो वेपर्स को मैं ऐसे ले लेता हूँ क्योंकि प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो ये आपके वेपर्स बने बनते रहे। और कंडीशन कौन सी आ गई अब जिसे हमें डिस्कस करना है कौन सी कंडीशन है अब इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा अब देखो एट दिस कंडीशन सम अमाउंट अब इसके बाद मतलब मान लो कि अब इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया है वाटर का अगर एक वेपर वाटर जो है एक वेपर में कन्वर्ट हुआ तो उसी समय एक वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। मींस वेपर से वाटर और वाटर से वेपराइजेशन मींस कंडेंसेशन और वेपराइजेशन दोनों एक ही रेट पर होते रहेंगे। सो यहां पर क्या हुआ कि आपका जितने आप देखो आप इस कंडीशन पे नाउ द कंडीशन इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपका ये अब वेसल है। अब क्या होगा अगर एक वाटर वेपर एक वाटर कन्वर्ट हुआ वेपर में उसी समय दूसरा वेपर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इसका मतलब यहाँ दो प्रोसेसेस एक साथ चलेंगे वन इज वेपोराइजेशन एंड अदर प्रोसेस इज कंडेंसेशन। सो एट दिस पॉइंट मीन्स इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट फॉर दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन वेयर द वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन दे आर टेकिंग प्लेस एट सेम रेट। जिस मतलब कि जिस स्पीड से अब वेपोराइजेशन होगी उसी स्पीड से कंडेंसेशन और जिस स्पीड से कंडेंसेशन होगी उसी स्पीड से वेपोराइजेशन होगी। मीन्स अब इस कंडीशन में होने क्या वाला है लगातार रिएक्शन तो होती जाएगी लेकिन ना तो वेपर का अमाउंट चेंज होगा ना ही वेपर्स का वाटर और वेपर दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। अब इस कंडीशन के बाद ये कंडीशन आ चुकी है नाउ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। अब क्या किया द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। तो वेसल का जो वॉल्यूम था इसे सडनली इंक्रीज किया। अब देखो जब इंक्रीज करेंगे और यह ध्यान रखने की बात का और भी ये नेक्स्ट पॉइंट पे काम आएगी बात कि आपका जो जस्ट अ ब्रेक सो नाउ द वॉल्यूम इज सडनली इंक्रीज। अब देखो अगर वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हुआ ये रहा आपका वॉल्यूम। अब जरा देखो एक बात जो मैं कह रहा था आपको कि ना
इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपकी सभी कंडीशंस हमेशा फिक्स रहें, जैसे कि ये वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें, पीवीटी, यूजली हम पीवीटी लेते हैं, पीवीटी क्या हो गया यहाँ पर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये कंडीशंस आपकी जो हैं फिक्स होनी चाहिए। अगर आपने चेंज किया इनमें से किसी भी कंडीशन को तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, यस इक्विलिब्रियम विल ब्रेक और डिस्टर्ब। और मैं चलो आपको बताता हूँ, अभी बाद में आएगा ये लो, ली शैटलियर प्रिंसिपल आएगा, वो क्या कहता है और वो उसने क्या कहना है, असली में होता है उसने वही बात बोली है जो हो रही थी, जैसे उसको एक्सप्लेन किया एक लॉजिकल वर्ड्स में, जब भी कभी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप वो डायरेक्शन को चूज करेगा। देखो दोनों डायरेक्शन अवेलेबल हैं, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी, तो इक्विलिब्रियम, अब जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ उसके बाद रिएक्शन वो डायरेक्शन को सिलेक्ट करेगी जिस डायरेक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम दोबारा से बन जाए, यानी कि जो चेंज लेकर आए हो ना आप, जो चेंज लेकर आए हो वो चेंज का असर कैंसिल आउट हो जाए, उसके इफेक्ट को कैंसिल करना है जो आप चेंज लेकर आए हो। अब जरा ध्यान देना, देखो हम चेंज क्या लेकर आए हैं, अचानक से सडनली किया है ये काम, देखो आराम आराम से नहीं किया, सडनली यहाँ वेसल, ये जो आपके पास वेपर जो वेसल था इसका वॉल्यूम चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन सुनो क्या है, उसी बेसिस पर आंसर देने हैं आपको। द फर्स्ट क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन आर देयर एंड इससे आपका इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं। व्हाट इज द, और एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा, हर वर्ड की वैल्यू रहेगी यहाँ। व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन द वेपर प्रेशर, कि इनिशियली वर्ड जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ दिस चेंज इन वॉल्यूम, जब आपने वॉल्यूम को सडनली इस तरीके से चेंज किया है तो वेपर प्रेशर पर क्या असर हो रहा है, बताओ अभी क्या असर होना चाहिए, वेपर प्रेशर शुड डिक्रीज और इंक्रीज, कोई है जो बच्चा बोल रहा हो इंक्रीज होगा, एनीबॉडी, नहीं सभी बोल रहे हैं यही, जो दो बच्चे बोल रहे हैं, क्या दो सही होते हैं हमेशा, कोई जरूरी तो नहीं है। चलो बताओ भाई आर्यन, फिर ये वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों होगा, वॉल्यूम बढ़ा दिया सर, स्पेस ज़्यादा मिलेगा पार्टिकल्स को, ठीक है सही है, आप बताओ यही रीजन है, एनीबॉडी हु वांट टू एक्सप्लेन दिस इन मोर मीन्स प्रिसाइज वे, एक्यूरेट, थोड़ा सा और लॉजिकल अच्छा वर्ड बोल दें। देखो भाई क्या होगा, सी हेयर, प्रेशर, प्रेशर को कैसे करते हैं भाई, व्हाट इज़ द प्रेशर, मैं सब बताना हूँ आपको इस तरीके से, लाइक डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो प्रेशर इज, हाँ प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। अब वो फोर्स, प्रेशर जो है वो फोर्स है जो एरिया पे डिपेंड करता है, या वॉल्यूम को उसी से माना जाएगा। अब अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, फोर्स उतना ही है ना। देखो मान लो पहले फोर्स था आपके पास 10, ठीक है, और ये क्या है एरिया, ये था 4, कितना प्रेशर आया आपके पास 2.5, और अब दोबारा से फोर्स उतना ही, क्योंकि उतना फोर्स क्यों है, वेप अभी जो अमाउंट ऑफ वेपर्स हैं उतना ही है, क्योंकि सडनली किया है और हम बात इनिशियली कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद वेपर बन जाएंगे एक्स्ट्रा, वो अलग बात, अभी इनिशियली क्या है, वेपर उतने ही है, क्योंकि इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि फटाफट सारे बन गए वेपर्स, तो वेपर तो अभी चलो 10 ही है, लेकिन एरिया कितना हो गया है, फॉर एग्जाम्पल 5, कितना आ गया प्रेशर आपका 2 रह गया, तो एरिया बढ़ने से वेपर का अमाउंट उतना ही है तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इनिशियली डिक्रीज हुआ, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ द वेपर प्रेशर विल डिक्रीज इनिशियली वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अब देखो वेपर प्रेशर लगता कैसे है ये पता होना चाहिए आपको, ऑल दो ये फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ मैं, बाकी पता है मुझे, बच्चों ने वीडियो बहुत देखी मैं सिंसियरली। See here, ये जो वेपर्स हैं
जो बनेंगे लिक्विड के इस कंटेनर को चारों तरफ से, अंदर से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, इस तरीके से स्ट्राइक करेंगे। अब जो ये हिट करेंगे इसको, जिस फोर्स से हिट करेंगे वही इसका प्रेशर होगा, और उसे ही बोलेंगे वेपर प्रेशर, क्योंकि अभी वेपर हिट कर रहे हैं इनर वॉल को। तो ये वेपर्स इनर वॉल को जिस फोर्स से या जिस प्रेशर से फोर्स से अप्लाई करेंगे वो उसका प्रेशर होगा। ठीक है, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो पहला क्वेश्चन सुन लो भाई, हो गया हमारे पास कि इनिशियली क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज। चलो सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू द रेट्स ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। इनिशियली क्या फर्क और क्या इफेक्ट आएगा इवेपोरेशन पर और कंडेंसेशन पर इनिशियली? कंडेंसेशन डिक्रीज हो जाएगी एंड इवेपोरेशन विल रिमेन सेम, दिस राइट? और एनी मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इनिशियली? इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो क्या होगा इवेपोरेशन का? व्हाई इट विल रिमेन सेम? नहीं वो तो चलो तो ठीक है, लेकिन उस इवेपोरेशन में, मैं कह रहा हूँ कि इनिशियली ठीक है, लेकिन बात यहाँ ये नहीं वेपर कितने बने, बात तो इवेपोरेशन की प्रोसेस और कंडेंसेशन की प्रोसेस के रेट पर है। या इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इवेपोरेशन वही रहेगी, क्या वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होएगी, बात तो ये है ना? क्या तो वही रहे आप वो क्या हो, या कहो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, वही क्यों रहेगी इवेपोरेशन? हाँ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है भाई। इवेपोरेशन देखो, इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। होनी तो है इवेपोरेशन, अब स्पेस मिल चुका है, बट अब क्या होगा, इनिशियली इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज होगा या नहीं होगा? सेम रहेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, किस रेट पर, कितने टाइम में कितने वेपर्स बन रहे हैं, वो उतने ही बनेंगे क्योंकि टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर चेंज तो नहीं हुआ। सेकेंड थिंग इज द कंडेंसेशन, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? हाँ डिक्रीज हो जाएगी कंडेंसेशन की प्रोसेस, क्यों? सही आंसर वैसे तो, कंडेंसेशन प्रोसेस विल डिक्रीज इनिशियली। व्हाई द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन विल डिक्रीज? देखो कंडेंसेशन अब डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो अब क्या होगा, दोबारा से ओनली इवेपोरेशन होगी। कब तक इवेपोरेशन होगी? जब तक कि प्रेशर दोबारा से उतना ना हो जाए भाई। प्रेशर आप क्या होगा, आपने क्या कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। अब दोबारा से ये रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम पहले भी अचीव किया था, दोबारा भी इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए ट्राई करेगा। तो जब इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा, जब दोबारा से ही प्रेशर उतना हो जाए, कितना, 2 से 2.5, तो प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। यानी कि अब वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि वाटर से वेपर नहीं बनेंगे अब, मतलब सॉरी, वेपर से वाटर का बनना कम हो जाएगा, लेकिन वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा, इवेपोरेशन की प्रोसेस चलती रहेगी, लेकिन कंडेंसेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी अब। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, इवेपोरेशन का रेट तो वही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर वही है, लेकिन कंडेंसेशन स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि अब जरूरत क्या है, अब जरूरत यह है कि दोबारा से वेपर बने। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली। कि अगर लास्ट में चलो इक्विलिब्रियम बन गया, ये क्या था, रिस्टोर्ड फाइनली मीन्स जहां से ब्रेक हुआ था वही बन गया वो, तो व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली एंड व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर। फाइनल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो पहले इसको कर लेते हैं, व्हाट इज द फाइनल वेपर प्रेशर नाउ जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा, तो इट विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर व्हेन द इक्विलिब्रियम वाज डिस्टर्ब्ड। जब डिस्टर्ब किया गया था, जो था उतना ही बन जाएगा। और इसने क्या कहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, मींस
व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली, तो कंडेंसेशन और वेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कि पहले भी देखो क्या हो रहा था, जिस रेट पर वेपोरेशन हो रही थी उसी रेट पर कंडेंसेशन, तो अब भी वही हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में डाउट किसी को, एनीबॉडी? नो? देखो हो सकता है, ये वीडियो की चिंता मत करना कि वीडियो बन रहा है तो हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ये क्लास के लिए ही है। तो किसी बच्चे को डाउट हो बोल दे वो। नाउ देखो ये तो आपका हो गया इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, थोड़ा सा स्टार्ट ही किया हमने आज, तो लास्ट टाइम भी ये था। देखो शुरुआत में ना केमिस्ट्री में क्या होता है, फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स में टाइम लगता है जहाँ की लगता है कि बहुत कम कंसेप्ट हुआ है, बट उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बनती है। शुरुआत के 2-3 लेक्चर हमें स्लो ही करने पड़ते हैं ताकि फाउंडेशन बन जाए। अब देखो इसके बाद जो हमने किया है ना, उन्हीं को कुछ लॉज की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो लॉज जो है ये प्लस वन में भी है और प्लस टू में भी है। हेनरी लॉ, साइंटिस्ट था हेनरी लॉ, देखते हैं इसने क्या कहा था। हेनरी लॉ ने ये कहा था कि प्रेशर ऑफ अ गैस, मीन्स आपके पास कोई भी लिक्विड, मतलब कि सॉरी मैं कहूँ प्रेशर तो चलो नहीं बोलूँगा, थोड़ा वो प्लस टू डेफिनेशन हो जाएगी, मैं सिंपल में बोल लूँगा, मास ऑफ गैस डिजोल्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कोई एग्जाम्पल करवाया था मैंने अभी परसों कि आपको अगर लिक्विड के अंदर गैस को मतलब उसमें करवाना है एब्जॉर्ब, तो जितना प्रेशर ज़्यादा लगाओगे उतनी गैस ज़्यादा डिजोल्व होगी। यानी एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक एग्जाम्पल। देखो आप सिंपल टेम्प प्रेशर पर, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर आप गैस को एक लार्ज अमाउंट में वाटर में एब्जॉर्ब नहीं करवा सकते, ठीक है। बट क्या हमने बात की थी उस दिन कि आपके पास एक गैस पंप होगा, वहाँ से गैस आएगी और वो क्या करेगी फिर लिक्विड में, ये लिक्विड है ऊपर से गैस आती रहेगी, प्रेशर बढ़ेगा। देखो नॉर्मल प्रेशर पर नहीं, जब बहुत ज़्यादा पार्टिकल आ जाएंगे एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, बट बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल इस एम्प्टी स्पेस में हो जाएंगे अबाउट द लिक्विड, तो फिर गैस जो है वो वाटर में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे। और यही रीज़न है कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। देखो आपने जो होती हैं आपकी ग्लास वाली बोटल्स बहुत हैवी होती हैं, क्योंकि उसको बहुत हाई प्रेशर को टॉलरेट करना होता है। और जो प्लास्टिक वाली भी होती हैं वो नॉर्मल वाटर बोटल नहीं होती हैं, दे आर मेड अप ऑफ वेरी हाई क्वालिटी प्लास्टिक, इतना हाई मतलब उनकी स्ट्रेंथ होती है कि आप उसमें एसिड को भी स्टोर कर सकते हो, करते हैं उनमें, बहुत हाई क्वालिटी का वो प्लास्टिक होता है। तो वो एक इसीलिए क्योंकि जब कोल्ड ड्रिंक को लास्ट में उसमें CO2 को डिजोल्व करवाते हैं तो बहुत हाई प्रेशर होता है, बहुत हाई प्रेशर, ठीक। और अगर आप सिंपल बोतल लो जो बिस्लेरी की वाटर बोतल है तो वो तो वहीं ब्लास्ट कर जाएगी ड्यू टू द प्रेशर, और वहाँ नहीं भी की तो जब वो वहाँ कभी ना कभी शॉपकीपर पास जाएगी और वो बाहर रखा होगा गर्मी में, क्योंकि पता है कि जो हीट होती है, हीट से क्या है गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, इट कैन ब्लास्ट आल्सो, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज़ को ध्यान में रख करके बहुत हाई क्वालिटी की जो प्लास्टिक है या वो ग्लास की जो बोतल होती हैं उनको यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक में, ठीक। तो ये हुआ आपका हेनरी लॉ, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल समझ लेना, हेनरी कोल्ड ड्रिंक, कोई नई कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है बाकी, जस्ट हेनरी कोल्ड ड्रिंक। तो हेनरी सेज दैट अमाउंट ऑफ द गैस डिजोल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इफ यू अप्लाई हाई प्रेशर देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस विल डिजोल्व इन द लिक्विड। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ कि ना ये बताओ कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड में गैस की सोलिबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी? वेदर द डिजोल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड विल इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज होगी इंक्रीज, तो गलत आंसर है भाई डिक्रीज।
क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और गैस जो है वो लिक्विड में से बाहर आ जाएगी। और यही रीजन है कि कोल्ड ड्रिंक्स को रखते कहाँ पर हैं, फ्रीजर में। गर्मी में रखोगे ना तो सारी गैस बाहर आ जाएगी। और यही रीजन होता है अगर आप जो कोल्ड ड्रिंक है अगर वो गर्म मतलब कि अगर फ्रीजर में नहीं होती है उसे ओपन करोगे सारी गैस एकदम बाहर आ जाएगी। और वो और जो अगर वो कोल्ड होगी तो थोड़ा टाइम बाद आएगी, तब तक आपको वो जो एक फिजी टेस्ट होता है कार्बोनिक एसिड वाला वो आता रहेगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर। ठीक है, अच्छा चलो इसी से एक और ये प्लस टू का क्वेश्चन है वैसे, पर आप लोग आंसर दे सकते हो। ये जो फिशेज होती हैं फिशेज, ये किस मौसम में इनको अच्छा फील होना चाहिए, इन द विंटर और इन आ समर? विंटर में अच्छा लगना चाहिए, वो क्यों भाई? ऑक्सीजन पानी के अच्छे से बुली होगी सर सर्दियों में। अच्छा हाँ सही है। देखो भाई होता क्या है, जो फिशेज हैं वो एक्चुअल में बच्चे कहीं तो बड़े वो बोलते हैं कि वाटर जो है ना ये रहा वाटर, तो वाटर के अंदर ना जो ये H2O का O है इसको फिश एब्जॉर्ब कर लेती है। वो कैसे करेगी भाई हैं, फिर तो वो H2 बाहर निकलता रहेगा, एक दिन सारा समुंदर H2 बन जाएगा हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। उनके पास ऐसी कोई प्रोसेस नहीं, अगर होती बड़ी अच्छी बात थी, फिर हम लोग भी ऐसे कर लेते उस प्रोसेस का यूज़ करके कि आप वाटर में से O को अलग कर दो, उसको एब्जॉर्ब कर लो और अपना H2 बाहर, फिर तो अलग चीज़ होती। नहीं ऐसा नहीं है, होता क्या है जैसे अगर ये मान लो H2O है, ये H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन H2O के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ना इनके बीच में कहीं कहीं पर ये O2 फिक्स हो जाएगी। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये H2O हैं, ये H2O, ये सब H2O हैं, इनके बीच में ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाती है। क्यों होती है, वाई क्यों डिजोल्व होगी भाई? ड्यू टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर सम ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर विल डिजोल्व इन द वॉटर। ठीक है, और फिशेस इसी को ही एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक, तो हुआ क्या, अगर तो टेम्परेचर बहुत कम है तो ये ऑक्सीजन एक सफिशेंट अमाउंट में वॉटर के अंदर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन इस गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये यहाँ से दोबारा से इसमें से बाहर चली जाएगी, मीन्स गैस जो है वो लिक्विड में से बाहर हो जाएगी। तो गैस का जो अमाउंट है, किस गैस का, O2 का, ऑक्सीजन का, द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन विल डिक्रीज इन द वॉटर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विद द टेम्परेचर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे और जो गैस है वो वाटर में से बाहर चली जाएगी। ये चीज़ थी, क्लियर है बात यहाँ पर? चलो अच्छा, अब इसके बाद जो बात करनी है हमें, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, यही होना चाहिए। यही है, देखो जो नोट्स है मैं उसी सीक्वेंस से पढ़ करवाऊंगा यहाँ पर, ताकि आपको बाद में रिवीजन करते हुए भी दिक्कत ना हो। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर डेफिनेशन ही लेनी है तो फिर तो एक लाइन की बात ही है, फिर तो कोई मुश्किल आएगी नहीं, बट इसको थोड़ा समझ ही लेते हैं क्योंकि फिर बाद में यही कंसेप्ट आपका प्लस टू में भी आएगा, वहाँ पर भी टाइम लग जाएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन, तो देखता हूँ कौन बच्चा इसको एक्सप्लेन कर सकता है। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट रेट ऑफ ए रिएक्शन, मीन्स किसी रिएक्शन के होने की स्पीड, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अमाउंट और कंसंट्रेशन, अमाउंट या कंसंट्रेशन बातें की होती है, इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कैसे, जैसे मान लो आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी इज चेंजिंग इन टू सी प्लस डी, मतलब N2H2NH3 या कुछ भी ले लो आप ऐसे ही, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द, इसको हम बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। जब ये लगा दोगे ये कंसंट्रेशन, इसका इस साइन का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, तो ये प्रोडक्ट भी बनेगा फिर आपका मोलर कंसंट्रेशन, मीन्स आपने कंसंट्रेशन लिया हुआ है मोल पर लीटर के हिसाब से कि एक लीटर में इतना होना चाहिए। तो
रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। खाली हमें चलो ये तो ठीक है तो आपके चलो क्रैमिंग जिसे करनी कर लेना, बट बात ये किसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि कैसे क्यों हो रहा है ये, क्या कोई वेरिफिकेशन, कोई एविडेंस, कोई डेली लाइफ का एक्सपीरियंस, कोई भी। और सिंपल वे में अगर कोई नहीं भी है कोई ऐसा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस तो देखो आपको के बात मान लो, चलो ऐसे आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको जैसे टेंथ पढ़ा होगा आपने जिंक प्लस H2SO4 क्या प्रोड्यूस हुआ था, प्लस H2 गैस। दो कंडीशंस हैं, दो टेस्ट ट्यूब हैं। एक टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक ले लिया 5 ग्राम और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया 5 ml, ठीक है। और दूसरी जो आपने टेस्ट ट्यूब बीट नंबर टेस्ट ट्यूब ली उसमें जिंक आपने 10 ग्राम ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड भी डबल 10 ml कर दिया। रिएक्शन फास्ट कहाँ होगी, ए में या बी में? बी में होगी, बी में होगी, क्योंकि वहाँ लार्ज अमाउंट में रिएक्टेंट प्रेजेंट हैं। देखो मैं कहता हूँ रिएक्शन होती कैसे, जरा समझो इस बात को अगर ये समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअल में देखो भाई रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन का होने के लिए क्या ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ CO2, सी प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। इसको जब समझना, बाकी फालतू वो नहीं है कैसे वैसे, बात समझने वाली है। अगर आपके पास यहाँ मान लो ये C है, कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं जो लगातार इसमें घूमते रहेंगे। देखो रिएक्शन हमेशा होते दो ही कंडीशन में, या तो लिक्विड में या गैस में, सॉलिड में नहीं होने वाली है। लिक्विड या गैस में, मैं गैस मान रहा हूँ क्योंकि इसको मान लो कि वेपर फॉर्म में, इसके कार्बन के वेपर्स हैं, ये वेपर्स लगातार घूम रहे हैं। इधर से O2, ये भी O2 को मैं ऐसे बनाता हूँ ट्राइंगल की फॉर्म में, और O2 के वेपर्स भी लगातार इस कंटेनर में मूव अराउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार घूमते रहेंगे, कभी ये यहाँ पहुँचेगा, कभी यहाँ, कभी इधर, कभी चलता रहेगा। अब मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पर, ठीक, चल मोशन चलती रहेगी क्योंकि गैस है और गैस में पार्टिकल कभी भी स्टेशनरी नहीं होगा। और रिएक्शन कैसे होगी, देखो रिएक्शन के लिए एक रोल होता है कि आपके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये कार्बन और एक ऑक्सीजन, जब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन ये आपस में टकराएंगे तो क्या बनेगा, CO2। अब खुद सोचो ये क्लास है, ठीक है, और मैं कहता हूँ यहाँ 10 बॉयज इस सेक्शन के हैं और 10 बॉयज उस सेक्शन के हैं, ठीक है, इकट्ठे कर दिए। और मैंने ये कहा 10 बॉयज इस सेक्शन का मतलब ए हो गया, 10 बॉयज उस सेक्शन का मतलब बी हो गया, 20 की स्ट्रेंथ है ये यहाँ पर। और मैं कह रहा हूँ घूमते रहो, घूमो, और जब भी एक 10th ए का बच्चा 10th बी के बच्चे से टकराएगा मैं मान लूँगा एक रिएक्शन हो गई, और सब क्या पट्टी बंदी हुई, ऐसा देखना किसी को नहीं, देखो भाई आपको बस घूमते रहना है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहाँ घूम रहा है। एक तो कंडीशन ये हुई, जैसे ही कोई टकराया आपस में नहीं, अगर ए टकराया तो रिएक्शन नहीं, बी भी टकराया तो रिएक्शन नहीं, जब ए सेक्शन का बच्चा बी सेक्शन से टकराएगा दोनों को मैं सी भेजूंगा प्रोडक्ट, ठीक, खत्म होते जाएंगे वो भाई, जो बन गया प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा, खत्म। अब दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी, अब बताना कहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगी। दूसरी कंडीशन ये कि इस क्लास में दो बच्चे 10th ए के हैं और दो ही 10th बी के हैं, उनको पट्टी बांध दी है और घूमने के लिए बोला हुआ है, कहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कोलिजन की, लास्ट वाली में, वहाँ रहेगी ना। ऐसे ही जब आप लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स लोगे तो मतलब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब कंसंट्रेशन हाई होगी, किसकी, रिएक्टेंट्स की, वो रिएक्टेंट तो हैं, तो जैसे ही आप रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाओगे तो उनकी कोलिजन की फ्रिक्वेंसी भी क्या है, बढ़ जाएगी, और कोलिजन की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या है, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। आई थिंक बात समझ आती है कि नहीं आती है, या कोई प्रॉब्लम है इसमें,
ठीक है ना। तो इसी तरीके से रिएक्शन होती है, और इसी बात को ना, ऑल्दो ये चीज़ें प्लस टू में थोड़ा और डीपली समझाई गई हैं, बट यहाँ भी तक लोग प्लस टू में काम ही आएंगे, कुछ नहीं है। चाहो तो कुछ नहीं, आई थिंक मुझे लगता नहीं, शायद जो हमारा सिलेबस रिवाइज हुआ है, मैंने देखा ही नहीं है एक्चुअल में तो क्या हुआ है प्लस वन में, उसमें शायद ना भी हो, तो ये चीज़ें प्लस टू में आनी है, तो उन्होंने काट कूट दी होंगी, बट करते रहो। तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। मास का मतलब है रिएक्टेंट का मास, एक्शन का मतलब है जो एक्शन हुआ और प्रोडक्ट बना। तो इसने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट होगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना, वीडियो काफ़ी है अपना, इतने बनाते हैं हम डेली 25-30 मिनट्स के आसपास का, तो बाकी वैसे डिस्कस कर लेंगे क्लास में यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चे तो खूब भाई आप आते रहो क्लास में, ये बनेगा वीडियो, बट इसके अलावा आपका कोई पर्सनल डाउट है या इसके बाद डाउट क्लास में लेंगे, वो नहीं हो पाएगी आपकी। सो ओके, थैंक यू।